चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज मैं स्टॉक पे चर्चा में एनालिसिस करूंगा। कल जो हमने स्टॉक दिया था उसको किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर और के बेसिस पे किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके लिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा नॉलेज को। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में किसी भी स्टॉक को बाय और सेल के लिए ओनली लेवल एनालिसिस की जा रही है, एजुकेशनल पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आप देख रहे हैं BEML हमने कल स्टॉक सेलेक्ट कराया था इंट्राडे के पर्पज से। कुछ लोगों ने कमेंट डाला है कि निफ्टी के पर्पज से कि भैया आपकी स्ट्रेटजी कल गलत था आज, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा लॉन्ग टर्म जो टारगेट था 10,400 का, वो ऑलमोस्ट वो आज अचीव किया है और हम शुरू दिन से ही बोल रहे हैं कि 10,400 तक निफ्टी जा सकती है। और इंट्राडे में जो डाउन मारता है, एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो डरने वाले लोग होते हैं उनको निकालने की होती है। तो ऐसा नहीं कि मैं जो लेवल देता हूँ उसी दिन के लिए दे रहा हूँ, एक्चुअली बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी मैं शुरू दिन से सजेस्ट करता आया हूँ। और इंट्राडे में भी कैसे वो वर्क करेगा उसका भी हमारे पास एनालिसिस है, और वो इंट्राडे कैलकुलेटर आप यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमें सेल करना है और कहाँ पर बाई करना है। उसी पर्पज से मैं आज जो स्टॉक BEML कल जो सजेस्ट किया था 1701 के आसपास की क्लोजिंग थी और आज इसने नीचे भी गया फिर ऊपर गया, तो हमने जो बाई सजेस्ट किया था कल के बाई लेवल था 1708 के ऊपर, टारगेट था 1721, तो ये और सेल लेवल था 1694। तो 1694 के नीचे इसने बॉटम जो बनाया है आज का, बिल्कुल उसी बॉटम के बेसिस पे 1696 का ही लो बनाया है। तो बिल्कुल हमारा जो स्टॉप लॉस है ये बचा करके ये 1721-1728 का इसने हाई भी मारा है, तो ये टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। लेकिन इसमें मैं एनालिसिस आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से और भी अच्छे तरीके से इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है किसी भी स्टॉक में। तो सपोज हमने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है बाई के लिए 1701 पे, तो आज इसने क्या किया, हमें 1707 के ऊपर ओपनिंग दी और इसने हाई मारा 1718 का, और हमारा जो बाई था उसके आसपास ही बाइंग हुआ था और इसने T2 के थोड़ा सा नीचे इसने डाउनफॉल किया, मतलब मींस कि आप 1709 के आसपास भी बाई किया है तो 1715-16 या 13 पे आपको प्रॉफिट बुक करना था। और अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं भी किया तो ये आप हाई लेवल पे सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं। कैसे, इसने सपोज 5 मिनट के चार्ट पे इसने हाई बनाया 1719 का, तो 1719 का आप इसमें हाई डालेंगे और उसके बेसिस पे जो लेवल निकल करके आया है 1712 के नीचे सेल, और टारगेट जो 45 का टारगेट जो था 1798 का, एग्जैक्ट वहीं पे इसने लो बनाया अगले 15 मिनट के चार्ट पे 1696 का, और हमारा टारगेट था 1698 का। तो ऑलमोस्ट 1712 के नीचे सेल करना था और हमारा ये टारगेट 1645 डिग्री पे हमें ये टारगेट मिल गया नीचे का। अब रह गई बात कि इस लेवल को हम प्रॉफिट बुक करेंगे और दोबारा से जहां भी लो बनता है उस लो को पुट करेंगे। हमने लो को पुट किया 1696 का या 1697 का, इसने जो लो बनाया वो डाल दिया हमने। फिर से इसने बाई कराया 1703 पे और इसका टारगेट था 1717 और 1726, T3 मैक्सिमम टारगेट होता है, आप 1718-19 पे भी बेच सकते हैं और दोबारा इस हाई को टच करेगा और T3 तक जाना ही जाना है। तो इसने क्या किया, जो हाई बनाया इंट्राडे का 1726 का, जो हमारा T3 था, तो एग्जैक्ट इंट्राडे में कैसे लेवल निकलता है वही मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को शेयर करने की कोशिश किया है। अगर हम किसी, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये हमने बाई कराया तो 21 तक नहीं आया जी, नीचे आ गया, नीचे भी आया तो हमारा स्टॉप लॉस जो है उसको सेफ किया और उसके बाद इसमें रिवर्स मारा और 1726 का इसने हाई मारा। तो अगर एक सिंगल ट्रेड भी लेते हैं तो सेफ्टी इसमें प्रॉफिट होने की चांसेस थी। तो हम जो स्टॉक सिलेक्ट करके देते हैं उसमें मैक्सिमम चांसेस होता है प्रॉफिट होने का। इंट्राडे में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और पोजिशनल भी इसको
होल्ड कर सकते हैं। अब रह गई बात आज का जो स्टॉक हम जो लेकर के आए हैं, इसमें सिंडिकेट बैंक जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से स्टॉक है और इसको बाई करके लिया जा सकता है, इसमें अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है और प्राइस भी राइज कर रहा है। सिंडिकेट बैंक और सेकंड स्टॉक जो है हमारा आज का हाँ सिंडिकेट बैंक का पहले चार्ट देख लेते हैं। सिंडिकेट बैंक में ओपन इंटरेस्ट राइज हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक वही बाई कर सकते हैं जिनको लॉन्ग टर्म अभी सजेस्ट नहीं कर रहा है। 94 ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा ऊपरी लेवल पे है, लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहा है, आरएस ही नीचे है, तो इसे स्टॉक को अभी बाई नहीं बनता है। लेकिन इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इसे स्टॉक को ओपन इंटरेस्ट के पर्पज़ से तो बाई की जा सकती है, लेकिन हमारा जो लेवल एनालिसिस है उसको हम वॉच कर लेते हैं, तो इस स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए अभी। इसमें हमने कल एक स्टॉक बर्जर पेंट्स का स्टडी किया था, 92 के ऊपर बाई करना था, 95 का ऑलमोस्ट टारगेट था, ऑलमोस्ट ये टारगेट भी बना चुका है, तो 95-40 का ही टारगेट इसने अचीव किया है, तो आज का इसने टारगेट अचीव कर लिया है, तो इसको अभी बाई नहीं बनता है। लेकिन ये बाई ऑन डीप स्टॉक है, इसको होल्डिंग पर्पस से लॉन्ग टर्म के चार्ट पे ब्रेकआउट हो रखा है, तो इसको लॉन्ग टर्म के पर्पस से देखा जा सकता है, वो भी 84-85 के लेवल पे। तो सिंडिकेट बैंक को इंट्राडे ट्रेडर बाई ना करें। बर्जर पेंट्स, बर्जर पेंट्स में सॉरी, बर्जर पेंट्स हमने कल एक स्टॉक सजेस्ट किया था 259-260 के ऊपर बाई था, 265 के टारगेट के लिए बाई करना था, लेकिन बर्जर पेंट्स का जो चार्ट है, बर्जर पेंट तो ये नीचे से डाउन मार रहा, 255 का, 255 के सपोर्ट पे खड़ा है ये 255, अगर यही लो है, इंट्राडे लो चल रहा है, बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी है ये स्टॉक, इसका स्टॉप लॉस जो है 254.40 का है, तो इसके आसपास ही बॉटम बनाना चाहिए। तो 255 का ही अगर बॉटम है, तो इसके बेसिस पे 257.70 के ऊपर आए तो ही बाई करें 263 के टारगेट के लिए, और जो जो स्टॉप लॉस होगा अभी अगर इस लेवल पे बाई करते हैं तो 254 के नीचे आप इसको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मेन, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि इंट्राडे में कैसे हम काम कर सकते हैं। जैसे सपोज लाइक निफ्टी, निफ्टी ने आज हाई मारा है, उस निफ्टी के हाई के लेवल को डाल के हम स्ट्रेटजी हमारी चेंज हो जाती है, हम तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक हमारा ये लेवल ना आ जाए। 94 का इसने हाई बनाया है निफ्टी इंट्राडे में, तो इसको सेल करना है 10,377 के नीचे जाए तो सेल करना है, 343 का टारगेट के लिए, 77-75 के नीचे जाए तो ही, 72 जो 18 डिग्री टारगेट है इसके नीचे चला जाए तो हाँ बिल्कुल इसको शॉर्ट किया जा सकता है, 373 के टारगेट, 343 के टारगेट के लिए, और उसके नीचे भी डीप मारता है तो लो को हम वेट एंड वॉच करेंगे। सेकेंड थिंग, या तो हमारा 394 का टारगेट हाई है, या तो 377 के नीचे रन करेगा सेकेंड हाफ में या आफ्टरनून के सेशन में, या तो नया हाई बनाएगा। सपोज इसने नया हाई 490-400 का बना दिया, तो 400 के बेसिस पे फिर से लेवल निकालेंगे कि सेल कहाँ पे बनता है, तो जैसे जैसे हाई बनाता जाएगा वैसे वैसे हम हाई डाल के अपना सेल लेवल निकालते चले जाएंगे, और वो लेवल टूटे और 18 डिग्री का टारगेट टूट के नीचे आ जाए तो हाँ ये बिल्कुल बाई सेल बनता है। जो टारगेट होगा 45 डिग्री पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उसके बाद लो बनने का वेट करेंगे, और सपोज जो भी लो बने, सपोज 320 पे लो बनता है तो 320 के बेस पे जो बाई बने तो हम बाई करेंगे। कल भी बाजार इसी तरीके से मौका दिया, हाई बना करके 374 का हाई बनाया
और उसके बाद रिवर्सल आया 357 के नीचे, रिवर्सल आया 323 पे, हमें टारगेट बुक करना था। और फिर से जो बाजार इंट्राडे जो लो बनाया उसको आप डालोगे तो उसके बेसिस पे 357 का इसने हाई भी बनाया, और उसके बाद इसने 348 के आसपास क्लोजिंग ली, और 348 के बेसिस पे जो टारगेट था हमारा 45 डिग्री, 399 का टारगेट है, ऑलमोस्ट हम यहाँ आ चुके हैं। तो ये 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री के ऊपर सस्टेन कर जाता है आफ्टरनून के बाद 2 बजे या 1 बजे के बाद, तो हम 446 या 442 या 433 तक जाते हुए देखेंगे सेकेंड हाफ में। अगर इसने या तो नीचे रिवर्स देगा और 343 का टारगेट अचीव करेगा, वरना 400 के ऊपर अगर 2 बजे के बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है, तो ये हमारा 420 430 के टारगेट के लिए तैयार होगा सेकेंड हाफ में। तो ये रहा आज का निफ्टी और स्टॉक का एनालिसिस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम इंट्राडे में एक स्टॉक, ऐसा स्टॉक लेकर के आए हैं जिसका यहाँ से थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेज है। आज के चार्ट पे भी दिख रहा है, इंट्राडे चार्ट पे भी अच्छा खासा इसने व्यू जनरेट कर रहा है बाई के पर्पज से, और बीटीएसटी के पर्पज से भी, और लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी एक ट्रेंड रिवर्सल का इसने तैयारी किया है, वो है यस बैंक लिमिटेड। तो यस बैंक का चार्ट पे पहले हम स्टडी करेंगे, फिर हम एंगल एनालिसिस करेंगे किस तरीके से इसका टारगेट रिवर्सल होने वाला है, ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो आप ये देखिए, इसने एमएसीडी लाइन को क्रॉस किया है, और आरएसआई जो है, आरएसआई डाइवर्जन जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट बन चुका है। और ये जो लो है हमारा, इस लो के नीचे हम ये लो गए हैं, लेकिन आरएसआई हायर लो और हायर हाई बनाने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि पुराना हाई को तोड़ चुका है और 41 के आसपास हम चले गए हैं। तो आज का जो हाई है 314 के ऊपर, अगर बाजार 314 के ऊपर 315 के आसपास क्लोजिंग देता है, तो कल में भी ये 325 का हाई मार सकता है। तो ये बीटीएसटी के पर्पज से भी ये स्टॉक बाई किया जा सकता है, और पोजिशनल पर्पज से भी बाई की जा सकती है, और बॉटम आउट अप्रोच के पर्पज से भी बाई किया जा सकता है। तो हर एंगल से ये स्टॉक आज के लिए नहीं, ये पूरे वीक के लिए ये स्टॉक बाई बनता है, और कल 325 के आसपास आए तो इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा, हम किसी भी स्टॉक पे बाई और सेल के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं, ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से दे रहे हैं, और हम सॉफ्टवेयर में भी इसकी लेवल स्टडी करेंगे। तो कल के क्लोजिंग के बेसिस पे आज 314 से रिवर्स क्यों हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रेंड एनालिसिस में हम यस बैंक को सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 312 रुपये के आसपास मूव कर रहा है, और 316 रुपये का एक्सटेंडेड टारगेट है। तो आज 316 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 314 और 316 के बीच में कहीं भी क्लोज ले आफ्टर 3 PM तो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, कल इसमें बाउंस आ सकता है। और उसके लिए जो लेवल निकला है 309 रुपये के ऊपर, आज बाई करना था, टारगेट था 315 रुपये के आसपास, 314 रुपये 91 पैसे का, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई बना करके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके आसपास ही आज की क्लोजिंग होनी चाहिए, और अगर अच्छा खासा बाउंस आया तो 318 तक जा सकता है 3 बजे, 3:30 बजे के पहले। तो अगर इसके आसपास प्राइस मिलता है तो कल की, आज की जो भी क्लोजिंग होगी 315 के आसपास क्लोजिंग होगी, तो कल जो टारगेट है 323 रुपया 90 पैसे का, तो 323 पे गैप अप या किसी भी रीजन से 323 के ऊपर आता है, तो कल हम इसमें इंट्राडे पर्पज जो बीटीएसटी लेके गए हैं 323 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका जो टारगेट है 1 वीक के पर्पज से 330 का है, तो ये रहा इस हफ्ते के लिए 330 का टारगेट है। लेकिन स्टॉपलस जो है, स्टॉपलस हमारा होना चाहिए, 2 मिनट, स्टॉपलस होना चाहिए 303 के नीचे,
तो 303 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए ये हमारा, आज इंट्राडे में मैंने कल बोला था कि आपको एक स्टॉक लेकर के आऊँगा, तो आज के लिए ये स्टॉक है जो कि एक हफ्ते और पोजिशनल और इंट्राडे हर एंगल से बाई बनता है 3 बजे के आसपास। अगर 314-15 के ऊपर बाई बन क्लोज हो तभी आप इसको BTST कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।